या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। फरहान भाई की तरफ से एक सवाल आया था, उन्होंने ये पूछा था कि कॉलेज की पढ़ाई मस्जिद में कर सकते या नहीं कर सकते। तो अब मस्जिद में कॉलेज की पढ़ाई मतलब मस्जिद के अंदर कॉलेज की पढ़ाई का कोई कोर्स वगैरह चल रहा है, इमाम साहब पढ़ा रहे हैं या ग्रेजुएशन चल रही है मस्जिद में, ये सवाल है। या फिर कोई बंदा अपने पास से ज़ाती तौर से मस्जिद में बैठ कर अपनी स्टडी करता है यानी पढ़ाई करता है, तो या इस तरीके का सवाल है। तो खाली मस्जिद के अंदर बैठ कर यानी अपने लिए मस्जिद की चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल करना कि जैसे पंखा या लाइट हो, और ये बंदा जो है ना मौतकिफ़ भी नहीं हो, मुसाफिर भी नहीं हो, इसका घर भी इलाके के अंदर ही हो, तो इस तरह से मस्जिद की अशिया को इस्तेमाल करना कॉलेज की पढ़ाई के लिए ही जायज़ नहीं है। लोगों के जो चंदे का मामला होता है तो उसके अंदर वो लोग जो है ना नमाज या इबादत से मुतालिक चीज़ों पर ही खर्च करते हैं मस्जिद में, कि अगर उसका पंखा चले तो नमाजियों को राहत हो या लाइट वगैरह चले तो मस्जिद में नमाजियों को मुसाफिरों को राहत हो, इस एतबार से उसमें खर्च किया जाता है। अगर ये शख्स खाली किसी ऐसी ख़ास वजह से मिसाल के तौर पर एयर कंडीशन की वजह से जाके मस्जिद में बैठता है कि चलो मस्जिद में ऐसी है वहाँ बैठकर पढ़ लेगा पढ़ाई के अलावा, तो ज़ाहिर है इसका इस तरह से ऐसी लाइट या इस तरीके चीज़ें को इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता इसमें एक सूरत ये हो सकती है कि मस्जिद के अंदर मान लो ऐसे गाँव या जगह पर मस्जिद है कि जहाँ मस्जिद में सामान के चोरी होने का अंदेशा हो, और ये बंदा मस्जिद के दायरे से बाहर यानी वजू खाने के आसपास कहीं बैठ के मस्जिद की हिफाजत के लिए बैठता है नमाजियों से पहले, या किसी ऐसे ख़ास मौके पर बैठता है कि जहाँ बैठने की मस्जिद में कोई ना हो तो ज़रूरत होती है, और उस दौरान ये बैठने के दौरान अपनी स्टडी कर लेता है मुताला कर लेता है अगर कॉलेज की पढ़ाई का, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ठीक वैसे ही अगर मस्जिद की लाइट जो है दरवाज़े पर लगी है और उस लाइट से रोशनी मस्जिद के अंदर और बाहर के अहाते के अंदर भी जाती है, तो जितने भी दायरे के अंदर लाइट और मस्जिद से बाहर रहकर अगर ये बंदा उस लाइट से फ़ायदा उठाकर पढ़ लेगा जो कि राहगीरों के लिए गली में या गेट पर उजाला करने के लिए है, और ये ख़ास अपने लिए वो लाइट नहीं जलाएगा लेकिन लाइट कॉमन जल रही है और ये जनरली वहाँ जाकर बैठ के पढ़ ले, या ऐसा आपने देखा होगा कि कहीं पर चौराहे पर लाइट लगी होती है तो लोग जो है कहीं ना कहीं बैठकर एक मजमा सा लगा लेते हैं, उस लाइट का फ़ायदा उनको कहीं ना कहीं मिल रहा होता है। तो अगर इस एतबार से मस्जिद की लाइट से उसका फ़ायदा उठा के पढ़ लेगा बाहर की तरफ तो भी उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन ख़ास अपने लिए मस्जिद या मस्जिद की छत पर भी इस तरीके का मामला नहीं करना चाहिए। बाकी एक मसला वही है कि बंदा ख़ास किसी ड्यूटी के तहत तो उसको बिठाया गया हो कि मस्जिद में बैठ जाओ एक आध घंटा, कोई आए तो उसको बता देना इमाम साहब नहीं है इस तरह, और बंदा आंगन में बैठ के अपना पढ़ ले और बिठाया उसको किसी ख़ास वजह से गया हो, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी अपने लिए ज़ाती तौर से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए मस्जिद की चीज़, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो दूसरी चीज़ के लिए। बहुत सारे लोग जो है ना खाली मोबाइल को चार्ज करना मस्जिद के अंदर बैठ के, जबकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है मस्जिद के साथ, या मोबाइल को देखना या वीडियो देखना दूसरी चीज़ें टाइम पास कर रहे होते हैं मस्जिद में बैठ के मोबाइल के साथ, फिर मोबाइल को चार्ज वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए। वेबसाइट पर एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है लर्न फास्ट। जी हाँ, लर्न फास्ट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस ऑप्शन के जरिए आप इल्मे दीन फास्ट वे में सीख सकते हैं। इस फीचर में ईमेल पर पूछे गए लोगों के सवाल जवाब को ऐड किया जाता है। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।